हेलो व्यूअर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अपेंडिक्स का उपचार घरेलू तरीके और देसी नुस्खे से कैसे करें। दोस्तों, अपेंडिक्स हमारे पेट में आंत के बीच का हिस्सा होता है, जिसे हम अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। अपेंडिक्स पेट की दाई तरफ नीचे की ओर होती हैं। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सूजन आ जाती है, जिससे कि दर्द होने लगता है। जैसे जैसे सूजन बढ़ती है, ये दर्द भी बढ़ता जाता है और अंत में इसका इलाज ऑपरेशन पर आकर ख़त्म होता है और इसे पेट से बाहर निकालना पड़ता है। पर अगर इसके लक्षणों को पहचान कर समय रहते ही उपाय कर लिया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपेंडिक्स का उपचार के लिए देसी नुस्खे बहुत ही कारगर है, परंतु यदि परेशानी बहुत बढ़ गई है तो फिर ऑपरेशन ही इसका इलाज है। दोस्तों, अपेंडिक्स का काम हमारे शरीर में सेल्यूलोज को पचाने का होता है, पर अब हम पका हुआ भोजन खाते ही है तो इसका हमारे शरीर में ज़्यादा उपयोग नहीं है। चलिए जानते हैं अपेंडिक्स के लक्षण। पेट में नाभि के आसपास दर्द महसूस होना, उल्टी होना, जी मचलना, पेट में सूजन, भूख ना लगना, बुखार आना, गैस बनना और पेशाब करने में परेशानी होना अपेंडिक्स के लक्षणों में से एक है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन। अपेंडिक्स का आकार ऐसा होता है कि इसका एक तरफ का हिस्सा खुला होता है और दूसरा हिस्सा बंद। कई बार भोजन करते समय भोजन के कुछ कण अपेंडिक्स में चले जाते हैं, जिसके कारण पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और अपेंडिक्स में सूजन आ जाती हैं। पुरानी कब्ज और पेट के कीड़े अपेंडिक्स को और नुकसान पहुंचाते हैं। ये अपेंडिक्स की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं और इनके कारण परेशानी और भी बढ़ सकती हैं और अपेंडिक्स फट भी सकती हैं। चलिए जानते हैं अपेंडिक्स का उपचार के घरेलू उपाय। इस वीडियो को और आगे देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। पहला उपचार है अदरक। सूजन को कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अदरक वाली चाय का 2 से 3 बार सेवन करें या फिर पेट पर मसाज करने के लिए अदरक के तेल का प्रयोग करें। दूसरा है तुलसी का सेवन। अपेंडिक्स में रामबाण इलाज है। रोज़ाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबा चबा कर खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। तीसरा है पुदीना। पेट की समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा उपाय है। पेट में गैस और चक्कर आदि में पुदीना बहुत ही कारगर है। पुदीने की चाय से अपेंडिक्स के दर्द में आराम मिलता है। चौथा है पाचन शक्ति ठीक रखने और कब्ज से दूर रहने के लिए एलोवेरा का प्रयोग अच्छा उपाय है। पालक का साग आंतों की बीमारी के इलाज में बहुत ही कारगर है। दूध को उबाल लें और बाद में ठंडा करके सेवन करने से लाभ होता है। ज़्यादा चटपटी और तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें। पानी ज़्यादा पिएं और तरल पेय आदि प्रयोग करें। खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां खाएं और भोजन के साथ भी लहसुन के सेवन की आदत बनाएं। खाना खाने से पहले थोड़ा सेंधा नमक और अदरक टमाटर पर लगाकर खाइए। अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट घरेलू तरीके से करने में छाछ भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। छाछ के गिलास में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीने से अपेंडिक्स में आराम मिलता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं अपेंडिक्स के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। पहला है 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालकर इसे उबाल लें और इसे दिन में 1 बार पिएं। हो सके तो खाने में भी मेथी के दाने का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे से अपेंडिक्स का दर्द दूर होता है और सूजन भी कम होती है। दूसरा है इमली के छोटे छोटे बीजों को पीसकर एक लेप बनाकर इसे पेट पर मलें। इस उपाय से सूजन कम होती है और अगर पेट फूलता है तो उससे भी राहत मिलेगी। तीसरा है दर्द वाली जगह पर राई पीसकर मलने से दर्द में आराम मिलता है। इस लेप को 1 घंटे से ज़्यादा ना रखें, इससे छाले भी हो सकते हैं। चौथा है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में विटामिन सी काफ़ी मदद करता है। इसके लिए थोड़ा शहद लीजिए और इसमें 1 नींबू निचोड़कर इसका सेवन करिए। 5वीं बात है
अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवा मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बाबा रामदेव पतंजलि स्टोर या फिर किसी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी अपेंडिक्स के रोग से बचने के तरीके। इस रोग से बचने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खाएं और अपने भोजन में फाइबर्स युक्त चीज़ें शामिल करें। इससे पेट में कब्ज नहीं बनेगी और पेट में जमा गंदगी पेट से बाहर निकल जाएगी। इसके साथ साथ पानी अधिक पिएं, खाना सही समय पर लें और शरीर में चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज करें। तो फ्रेंड्स, ये थे अपेंडिक्स के घरेलू उपचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।